हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी आईएएस चैनल. एंड आई जस्ट होप कि मैं आपको ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली होंगी. हाय महेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम ज्योति. प्लीज़ कंफर्म गाइस कि ऑडिबल विजिबल प्रॉपर है क्या? ऑडिबल विजिबल इज प्रॉपर टू यू? बताओ ज़रा. सो गाइस, ये है आपकी ये सीरीज, अब की बार प्रीलिम्स पार के सीरीज, जिसके अंदर हम लोग करंट अफेयर कर रहे हैं. एनवायरनमेंट इकोलॉजी का लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर जो है हम यहाँ से कवर कर रहे हैं. लाइव हो रही है ये सीरीज रेगुलरली 9 AM सुबह 9 बजे. हम जो है प्रकृति के बारे में जान लेते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर GS3 प्रिपेरेशन. और आई जस्ट होप कि ये सब चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल जो है हो रही होंगी. इनको गाइज इसकी PDF वगैरह जो है होंगी वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी आईएएस पे मिल जाएंगी. जस्ट टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए स्टडी आईएएस, हमारा टेलीग्राम आपको मिल जाएगा. एंड वहाँ पे PDF भी आपको मिल जाएंगी. ठीक है, ओके, वेरी गुड, डन. सो आई होप कि आप लोग इसे प्रॉपरली रिवाइज भी कर रहे होंगे. इसके अलावा इन्फॉर्मेशन, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 18 अप्रैल को मॉर्निंग 11 AM. इसको अनलॉक करने के लिए यूज़ कीजिए हमारा कोड स्टडी आईएएस का रेफरल कोड. सब्सक्रिप्शन ऑफर लगा अभी है गाइज, कि अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हो या 2 ईयर का प्लान लेते हो, अगर आपको 1 साल या 2 साल के लिए प्रिपेयर करना है तो उन सब के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. एंड यहाँ पर आपको 3 से 4 मंथ्स जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि अगर अभी आप लेते हो तो प्री प्लस मेंस की तैयारी गाइज आपकी बहुत अच्छी हो जाती है. सो विदाउट एनी काइंड ऑफ वेट, जस्ट डू इट नाउ. स्टडी आईएएस का रेफरल कोड यूज़ कर लेना सो दैट यू विल गेट 10% ऑफ. ठीक है, ये कोड यूज़ करना बिल्कुल मस्ट है. एंड ये ऑफर वैलिड रहेगा 28 अप्रैल तक. लॉट्स ऑफ बैचेज स्टार्टेड फ्रॉम द येस्टरडे, 14 अप्रैल से कल बैच स्टार्ट हुए. इन सब के लिए यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप वो प्लान चूज कर सकते हो. क्लास में जो भी प्रेजेंट है आप अपने प्रेजेंस शो करिए, शो योर प्रेजेंस वंस, ओके. इसके अलावा गाइज ये है प्लानिंग. एंड जब आप यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन करोगे रेफरल कोड डिमांड करेगा. सो फिल देयर STUDYIAS, ये कोड फिल कर देना, आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा. ठीक है, चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ वेट एंड डिले हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट एनवायरनमेंट का करंट अफेयर UPSC CSE PCS 21 के लिए. हाय स्मार्टी, गुड मॉर्निंग डियर. चलिए करें. सबसे पहली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है सी ग्रास के बारे में. सी ग्रास क्या होती है और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है वो सब हम बात करने वाले हैं. ओके, कंजर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड सी ग्रासेस. सी ग्रास ना समुद्र के नीचे होने वाली ग्रास या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा शैलो जो सब मरीन वाटर होता है वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं. स्पेशली ये मिड ऑफ द ओशन में ना मिलते हुए, जैसे बेज होती हैं, लगून्स होती हैं, उस वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाते हैं. ठीक है, सो आपसे यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि क्या सी ग्रास कोस्टल पे मिल रहे हैं, बेज पे मिल रहे हैं, लगून्स पे मिल रहे हैं? सो योर आंसर विल बी बेज एंड लगून्स. ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स करीबन हम देखें कि 850 मिलियन ईयर्स एगो एक ग्रीन एल्गी का हुआ करता था, वहीं से ही सी ग्रास का जन्म हुआ, इवोल्व फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लांट. ठीक है, तो 60 स्पीसीज हैं 4 फैमिलीज में. इतना ज़्यादा डिप्थ में याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद करना सी ग्रास आपको बेज और लगून्स के शेलो मरीन वाटर जहाँ होता है. शेलो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ आप, थोड़ा ऊपर ऊपर वाले एरिया में ही आपको जो है यहाँ से मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? ओके, सी ग्रास अकर ऑल अलोंग द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया, अबेंडेंट इन द पॉक्सटेट. हाँ, हमारे अगर इंडिया की बात करें तो जो पॉक्सटेट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और गल्फ ऑफ मन्नार है नियर द तमिलनाडु, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल जाएंगे. सो आपको ये आ सकता है एक सवाल कि सी ग्रास जो है वो आपको मिड ऑफ द बे ऑफ बंगाल मिलेंगे, तो गाइस थोड़ा उसे गलत कर देना कि नहीं, वो हमारे मिड में नहीं मिलेंगे, बेज, लगून्स, कोस्टल, इन सब रीजन में ज्यादातर हमें देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार में 21 आइलैंड्स है, एक आर्चिपेलागो और 21 आइलैंड्स की सीरीज है, वहाँ पे आपको सी ग्रास काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं. सी ग्रास अबाउंड इन वाटर अराउंड द आइलैंड ऑफ कुरुशदी, बुमारी, चरणपली, वसल और ये सब चीज़ें. अब आपके लिए एक सवाल आता है, प्रीलिम्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या जो सी ग्रास होते हैं उनको ग्रो करने के लिए फोटोसिंथेसिस चाहिए होते हैं क्या? अब
उन्हें फोटोसिंथेसिस चाहिए कि नहीं चाहिए, ये डिपेंड करेगा उस बात पे कि इनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ है। हाय हेमंत, गुड मॉर्निंग। हाय कुंदन, सौरभ, गुड मॉर्निंग डियर एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इतनी बात सीग्रास के बारे में समझ आ रहा है। ये सूरज गल्फ ऑफ मन्नार और आपका पोक स्टेट दोनों जगह प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं, राइट जी। अब एक सवाल आता है कि फोटोसिंथेसिस इनको ज़रूरी होती है क्या? जैसे आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, जैसे नॉर्मली जो लैंड पे होने वाले जो पौधे होते हैं, सेम उसी के तरीके से सीग्रास जो होती है ना, उनको भी फोटोसिंथेसिस चाहिए होता है ताकि वो अपना खाना बना सके, ऑक्सीजन रिलीज कर सके, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो सके। छोटी छोटी फ्लावर्स और ओवल लीव्स होती हैं तो इनको ज़रूरत होती है सनलाइट की। फाइन, अब इस बात से आप लोग ये समझेंगे कि नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो बहुत स्पीडली बनाइए और जल्दी जल्दी बनाइए। सी ग्रास आपको पॉक्सटेट और हम कह रहे हैं कि गल्फ ऑफ मन्नार पे अच्छे खासे मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखो बेज लगून्स और आपका कोस्टल एरियाज पे अच्छे खासे मिल जाएंगे। तीसरी चीज इसके बारे में लिखो रिक्वायर फोटोसिंथेसिस, और अगर ये बात है कि फोटोसिंथेसिस चाहिए तो समुद्र के बीचों बीच ही आपको नहीं मिलने वाले, ये आपको कहीं ना कहीं शोर पे ही मिलेंगे। ठीक, चलो अब इनको ना इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी बोलते हैं क्योंकि एक इकोसिस्टम को बनाए रखने की सर्विस ही अदा कर रहे होते हैं, वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सी ग्रास होंगे उतनी ही ज्यादा उस पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल होगा। हाय सूर्यकांत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो जितना मतलब पानी के अंदर ये होंगे ना आपके सीग्रास, उतने ही ज़्यादा आपको वहाँ की वाटर क्वालिटी प्योर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वो रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो सभी जो स्पीसीज होंगे उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। ठीक है, फिल्टर न्यूट्रिएंट्स, स्टेबलाइज द सी बॉटम, प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट। बिल्कुल, फूड और हैबिटेट भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सारी छोटी छोटी जो बींग्स होती हैं उनको ये एक अच्छी सुरक्षा दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर रहे हैं, डीकम्पोज कर रहे हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये सब बातें होती हैं जिसकी वजह से हम इन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर बोल रहे हैं। ठीक है गाइज, जब एक ही सेशन हो जाएगा, लगभग 5-6 दिन आराम से हो जाएगा, तो अपना एक MCQ सेशन रहेगा जिसके चलते ये सारे आर्टिकल जो मैं अभी आपको करा रही हूँ उसी को ही क्वेश्चंस की फॉर्म में आप लोगों से पूछूंगी। सो ये आप अभी आप लोग जो कर रहे हो बहुत ध्यान से और सोच समझ के कर लो। हार्मफुल सीवीड्स क्या होती है? कुछ रेयर स्पीस होती है सीवीड की जो कोरल रीफ को खत्म कर देती है, उन्हें पूरी तरीके से डैमेज कर देती है। ये एग्जॉटिक होती है, एग्जॉटिक और इन्वेसिव एक ही बात है गाइस। एग्जॉटिक का मतलब होता है नॉर्मली वे स्पीसी जो किसी हाँ टॉक्सिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल, CO2 वही बात आ गई ना कि CO2 को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। हार्मफुल जो सीवीड्स है ये इन्वेजिव होती हैं। क्यों? क्योंकि आक्रमण करती हैं। अगर इनको दूसरे एनवायरनमेंट में लेकर जाया जाए जहाँ इनका नहीं है, सो उस एनवायरनमेंट के लिए इन्वेजिव हो जाती हैं। पेप्सिको एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फूड स्नैक और बेवरेज कॉरपोरेशन है जिसने स्टार्टेड स्मूदरिंग द कोरल रीफ एंड स्लोली किलिंग देम। यस, जू प्लैंक्टन के लिए, वही छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड तैयार करना। नहीं, BOD से, BOD क्या होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है यार, आपके पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स पे इम्पैक्ट नहीं करती वो चीज़, इम्पैक्ट नहीं करती, वो ऑक्सीजन के लेवल को बताती है जस्ट, BOD की कितना ऑक्सीजन का लेवल है। ठीक है, एंड उस सब के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स को भी जो क्या कहते हैं सनलाइट की ज़रूरत होती है। हार्मफुल सीड्स के बारे में हम बात कर रहे थे, तो 2005 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि भाई आप एग्जीक्यूट जो एग्जॉटिक स्पीसीज है उनका कल्टीवेशन नहीं करोगे, ओनली टू द सी वाटर नॉर्थ ऑफ पॉक बे। मतलब क्या है, जो सीवीड्स हार्मफुल हैं या जो पानी में मिलने वाली जो वीड्स या जो सीड की तरीके से कह सकते हो जो हार्मफुल है, जो एग्जॉटिक है, 2005 में उसका ऑर्डर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई आप इनका जो है कल्टीवेशन नहीं करोगे, ऐसा ना हो कि हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो ख़त्म कर दें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने आ रही है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिस्ट 62 स्पीसीज ऑफ द स्किंक्स। स्किंक्स बोल रही हूँ मैं, स्किंक, कंक। ठीक है, सो ये थोड़ा लिजार्ड की तरह ही आपको दिखाई देता है।
जियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया, उसने 62 स्पीसीज निकाली है स्किंक की, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या न्यूज़ आ रही है। अभी एक पब्लिकेशन आई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसने ये बताया कि इंडिया के अंदर 62 स्पीसीज है स्किंक की, और उन्होंने कहा 57% जो स्किंक की स्पीसीज है वो हमारे इंडिया में एंडेमिक है। ठीक है, 57% का मतलब कितने, 33 स्पीसीज एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है गाइस कि वो स्पीसीज हमारे देश के अलावा आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। सूर्यकांत, दैट वॉज एन जस्ट ऑर्डर, है ना, दैट वॉज जस्ट एन ऑर्डर, बट मानेगा कौन और वो सब अलग बातें हैं गाइज। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम कह रहे थे कि 33 स्पीसीज जो है वो एंडेमिक है 62 में से। स्किंक क्या होती है, जैसे मैंने आपको बोला लिजार्ड की जैसे इनका अपियरेंस होता है, विद लॉन्ग बॉडीज, रिलेटिवली छोटे इनके पैर होते हैं, कोई नेक इनकी स्पेशल नहीं होती, ग्लॉसी स्केल्स होते हैं। स्किंक कॉमन रेप्टाइल की फॉर्म में होते हैं जो कि अराउंड होम, गैरेज, ओपन स्पेस सच एज पार्क, स्कूल, प्लेग्राउंड, यहाँ आपको जो है वो मिल जाते हैं। इनको आई थिंक नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में कुछ किसी और नाम से भी जानते हैं, अभी याद नहीं है, आप लोग देख लेना, हर जगह अपना अपना नाम, पर्टिकुलर नाम इनको होता है। रेप्टाइल की तरीके से होते हैं, और इनका इनका काम भी इकोसिस्टम को बनाए रखना होता है, मेंटेन करना होता है। नॉट मच इज नोन अबाउट देयर ब्रीडिंग हैबिट इकोलॉजी बिकॉज आइडेंटिफिकेशन वॉज कन्फ्यूजिंग सर्टेन स्किन का जो। हाँ, आपके लिए अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रिलिम्स के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन रही है गाइज, ये जो स्किंक होते हैं इनका कलर, ब्लड कलर ग्रीन होता है, इनका गिरगिट टाइप, हाँ, गिरगिट स्किंक का ब्लड कलर, मतलब गिरगिट तो आपका रंग बदलता है, ये ऐसा रंग वंग नहीं बदलती, तो ये चीज़ अलग है थोड़ा सा ना। कुछ स्किंक ऐसी होती है जिनका ग्रीन कलर होता है। यूनिक कलर ऑफ ब्लड इज द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रीन बाइल पिगमेंट कॉल्ड द बाइल बिलेवर्डिन। मतलब क्या है कि क्यों इनका ग्रीन कलर होता है, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट होता है जो कि हरे कलर का होता है, वो ये बहुत ज़्यादा कैरी कर लेती हैं, जिसके चलते इनके ब्लड का जो रंग होता है ना वो भी ग्रीन कलर हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी यूनिक। आपके ऑप्शंस में आ जाएगा कि स्किंक आर द ओनली रेप्टाइल विच हैव अ ग्रीन कलर ऑफ ब्लड। ठीक है, इस तरीके से कुछ आ जाएगा, तो ये रखना कि ओनली तो नहीं है लेकिन हाँ इनका ग्रीन कलर होता है। समझ में आई चीज़ें, बताओ एक बार, एवरी वन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि स्पेशली कहाँ पे मिल रही है, वेस्टर्न घाट में 24 स्पीसीज मिलेंगी, जिसमें से 18 वहीं पे एंडेमिक है। डेक्कन पेनिनसुलर रीजन के अंदर आपको 19 मिलेंगे, जिसमें से 13 एंडेमिक है। नॉर्थ ईस्ट में 14 मिलेंगी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, जिसमें से 2 स्पीसीज एंडेमिक है। अब गाइज मैं अगर आपको एक क्वेश्चन बना के दिखाऊँ, तो क्वेश्चन ये रहेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्किंक है आर रेप्टाइल्स हैविंग ग्रीन ब्लड कलर। ठीक है, ग्रीन ब्लड कलर ऐसे आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा आपको मिल जाएगा कि ऑल द स्किंक स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर एंडेमिक, ऑल स्किंक स्पीसीज फाउंड इन इंडिया आर एंडेमिक टू इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आप लोग बता सकते हो ना कि भाई सिर्फ यही सही है कि स्किंक रेप्टाइल ज़रूर है लेकिन वो इनका ग्रीन ब्लड कलर भी है, लेकिन सारी की सारी स्किंक स्पीसीज हमारे पास एंडेमिक नहीं है। 62 के अंदर से 33 जो स्पीसीज है वही हमारे पास एंडेमिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन का टाइप कुछ इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है, सो बी रिमेंबर फॉर दैट। हाई आकाश, गुड मॉर्निंग। एंडेमिक स्पीसीज समझ गए, स्किंक जो है वो आपके इंडिया में पाई जा रही है। कुछ फोर जेनरस यानी कि पूरा जीन सुनकर एंडेमिक है हमारे यहाँ पे, जैसे सेपोसिस, बारखुदिया, लिम्सिस, स्किन, ये सब आपको हिल्स और कोस्टल एरियाज में स्पेशली मिल जाएंगे। फाइन, बाकी इतना ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक रीडिंग ले लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इससे ज़्यादा मत करिएगा। अब देखो ये है आपका ओडिशा का वेस्टर्न घाट वाला स्पेशली रीजन। ओके, यह है वेस्टर्न घाट का स्पेशली रीजन, ओडिशा वाली जगह जहाँ पे अभी के लिए हमें ये जो स्किंक है उनकी खासी प्रजाति जो है वो मिल गई है।
गाइस चीजें सबको क्लियर है तो जल्दी से लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को। हाय नरिंदर, गुड मॉर्निंग। इसके बाद एक नई न्यूज आ रही है आपके सामने, डेथ ऑफ स्लोथ बियर इन नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क। गाइज अभी आपको इसके अंदर दो इन्फॉर्मेशन कैरी करनी है, एक तो स्लॉट बियर के बारे में और दूसरा आपको जूलॉजिकल पार्क के बारे में, नंदनकरण जूलॉजिकल पार्क के बारे में। दो स्लॉट बियर की 2 दिन के अंदर ही भुवनेश्वर यानी कि ओडिशा के नंदनकरण जूलॉजिकल पार्क के अंदर डेथ हो गई, जो कि 14 है उस कंट्री के अंदर, बिग जूज के अंदर, और उसमें से 2 स्लॉट बियर की डेथ वहां से हो गई, जिसके चलते वरिड हो गए जो ऑफिशियल्स हैं कि भाई क्या हो रहा है, कोई बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सब चीजें है ना। क्या चीज, क्या ये वाला? अच्छा हाँ, ये ईस्टर्न ही है, आई एम सॉरी, वो कभी कभी ना ये हो जाता है, दैट ईस्टर्न पार्ट दस अ पार्ट ऑफ द ओडिशा है ना। ओके, स्प्रेड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, सो वरिड थे वो लोग, क्या देखते हैं, तो लेट्स सी क्या हो रहा है। सबसे पहले ये चीज पढ़िए कि जो स्लॉथ बियर है वो मैर मैकोफेगस बियर स्पीसीज है, जैसे बियर होते हैं उसी की ही एक वेराइटी कह सकते हो। फिलहाल के लिए वल्नरेबल है ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में, क्योंकि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, डिग्रेडेशन भी हो रहे हैं, तो ये अभी के लिए वल्नरेबल है। द शैगी कॉटेज स्लॉथ बियर इज नेटिव टू इंडिया, श्रीलंका एंड नेपाल, तो अब ये चीज याद रखना, थोड़ा माइंड में रख लेना, ऑल्दो इतनी सब चीजें याद रहती नहीं है। हाय परमार एंड प्रकाश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये चीज इतनी ज्यादा याद नहीं रहेंगी, लेकिन स्लॉथ बियर है इतना याद रखना कि दैट इज नेटिव टू इंडिया, नॉट टू द एंडेमिक, ठीक है? नेटिव है और जगह भी आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। हाँ, स्लॉथ बियर जो है टर्माइट्स या एंट्स इनको खाता है, और बाकी जो दूसरी स्पीसीज होती है रूटीनली कैरी देयर कब्स ऑन देयर बैक। ये ओनली बियर होते हैं जो कैरी करते हैं यंग ऑन देयर बैक, अपनी पीठ पर अपने बच्चों को ये कैरी करते हैं। मैमेलिया या मैमल्स क्लास के होते हैं और कार्निवोर ये होते हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कैरी क्रैम करने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का कर लोगे, दैट इज सफिशियंट। जो नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है वो एक लार्ज जू है इंडिया के अंदर, बाकी जैसे जूज होते हैं उनकी तरह नहीं है, थोड़ा सा अलग है। नंदनकनन इज बिल्ट राइट इन साइड द फॉरेस्ट एंड सेट इन अ कम्प्लीटली नेचुरल एनवायरमेंट। नॉर्मली जू क्या होते हैं कि आपको कहीं पे भी जो है वो मिल जाएंगे, जू का ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता कि वो उसी जगह पे मिलेगा, लेकिन जो नंदनकनन है ना, अरे वाह, ओडिशा से, चलिए बहुत बढ़िया। हाय कुलामिनी, आपकी पहली सेशन है ना। जो नंदनकनन है ना वो आपके फॉरेस्ट जंगलों के बीच में है, उसके अंदर ही जाके है, और ये पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बना हुआ है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बना हुआ है। ये पहला जू है आपके इंडिया के अंदर जो कि वर्ल्ड टू ब्रीड वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर को ब्रीड कर रहे हैं, मतलब पढ़ो इसको, दैट इज इम्पॉर्टेंट गाइज। ये पूरी स्लाइड आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रिपीट कर रही हूँ। हाय महेश, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क है ये इनसाइड द फॉरेस्ट है, नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, नंदनकनन पहला जू है वर्ल्ड के अंदर जो वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर को ब्रीड कर रहा है, ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज हो गई। थर्ड चीज, ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है जो कि इंडियन पेंगोलिंस इन द वर्ल्ड के लिए फेमस है, ठीक है, ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो इंडियन पेंगोलिंस इन द वर्ल्ड के लिए फेमस है। तो हमने दो चीज यहाँ से कवर की, पहला जो वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक टाइगर को ब्रीड कर रहा है, दूसरा हमने पढ़ा कि ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है इंडियन पेंगोलिंस के लिए। हाय इंद्रजीत, गुड मॉर्निंग। कमलेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइज। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए, और भी इस नंदन कनन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है ये कि ओनली जूलॉजिकल पार्क है आपकी इंडिया के अंदर जो कि वाजा के उसमें ऐड हुआ। वाजा क्या है? पूरे वर्ल्ड लेवल पे चलो,
पूरी वर्ल्ड लेवल पे जूस की और एक्वेरियम्स की, एक्वेरियम होता है ना जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर मछलियां नकली, एक फिश पॉट कह सकते हो एक तरीके से, है ना, उसके अंदर छोटी छोटी मछलियां होती हैं, फाइन, वो एक्वेरियम और जू के लिए एक बड़ी वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम है वाजा, और हमारे इंडिया का अकेला जूलॉजिकल पार्क जो उसके अंदर ऐड है वो है आपका नंदन कनन, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में। आगे आते हैं नेक्स्ट, जो वाजा है वो 1935 में बना था। ग्लोबल अलायंस है जो रीजनल एसोसिएशंस होती है, नेशनल फेडरेशन जूज एक्वेरियम, उन सबको ये कंजर्व करता है। नंदनकरण पहला जू है इंडिया में जहाँ पे एंडेंजर रैटल वॉज बॉर्न इन द कैप्टिविटी, ओनली जू है इंडिया में जो कि ओपन टॉप लेपर्ड एनक्लोजर है, सेकेंड लार्जेस्ट हिरॉनरी फॉर ओपन बाइल स्टॉक्स इन ओडिशा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, इन सबको कर लेना। चलो मैप में देख लेते हैं कि ये इतना शानदार जो जू है वो है कहाँ पे। ये देखिए, ये है आपका ओडिशा, ठीक है। ओडिशा का आप मुझे ये बताओ कि क्या तेलंगाना ओडिशा से बाउंड्री बना रहा है? तेलंगाना ओडिशा से बाउंड्री बनाता है? हाँ अश्वनी, गुड मॉर्निंग। अब देखो ये रहा आपका नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, क्या है नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, नियर टू द भुवनेश्वर है, ओडिशा की कैपिटल एक तरीके से भुवनेश्वर, उसी के पास नंदन कनन है। अब हमने इसकी खासियत में क्या क्या करा कि एक तो ये वाजा में ऐड हुआ है, एक यहाँ पे आपको वाइट टाइगर और मेलानिस्टिक जो टाइगर है वो ब्रीडिंग सेंटर है, ये मेलानिस्टिक, मेलानिस्टिक टाइगर है वो, उसका ब्रीडिंग सेंटर है, ठीक है। यहाँ और स्पीसीज आपको पहली बार मिल रही हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा सा ना माइंड में रख लीजिएगा क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला इंडियन पेंगोलिंस के लिए ओनली कंजर्वेशन सेंटर है। कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, न्यू स्टडी हेल्प्स मॉनिटर ट्रेंड इन फाइटोप्लैंक्टन बायोमास इन द बे ऑफ बंगाल। एक नई स्टडी जो है वो यहाँ पे हुई, फाइटोप्लैंक्टन्स का क्या ट्रेंड रहता है, उनका किस तरीके से नेचर रहता है, बे ऑफ बंगाल में, उसके लिए स्टडी जो है वो कवर की गई। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया मेजर द क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफिल ए, क्या क्लोरोफिल ए, ज्योति क्या चीज, अडॉप्टिव सिस्टम मीन्स क्या, क्लोरोफिल ए क्या है और एक क्लोरोफिल बी होता है, तो एक बार देखेंगे उसे क्या होता है दोनों चीज। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि जो क्लोरोफिल ए है बे ऑफ बंगाल के अंदर एक डोमिनेंट पिगमेंट है, वो इन फाइटोप्लैंक्टन्स के सेल के अंदर मिल जाता है और कुछ एरियाज ऑफ ओशन में मिल जाता है इन द रियल टाइम, मतलब वास्तव में क्लोरोफिल ए जो पिगमेंट है, जो डोमिनेंट पिगमेंट है, वो आपको बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं पहले उनके बारे में जान लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन छोटे माइक्रोस्कोपिक बिल्कुल छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि आपको ओशियन में नियर द कोस्टल एरिया मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं नियर द कोस्टल, फाइटोप्लैंक्टन्स को रिक्वायर होती है सनलाइट, ठीक है, उनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है ना वो कैप्चर कर लेता है सनलाइट को, तो सनलाइट आपका नियर द शोर एरिया पर ही आपको आती हुई दिखाई देगी और कहीं आपको नहीं मिलती, फाइन। इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं क्योंकि लाइफ इन ओशियन जो है वो उनको रेगुलेट करते हैं। कैसे रेगुलेट करते हैं लाइफ इन ओशियन, मान लो ये ओशियन है और एग्जाम्पल के लिए अगर हम थोड़ा बात करें, करीबन इस रीजन तक आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे इस रीजन तक, क्योंकि ये जोन होता है आपका फोर्टिक जोन, फोर्टिक जोन, फोर्टिक जोन का मतलब होता है वो वाला एरिया जहां तक जो सनलाइट है वो रीच करती हो, सनलाइट रीच करती हो, वो वाला एरिया होता है फोर्टिक जोन, ठीक है। हाँ, प्लांट स्विमिंग ऑन सी एक तरीके से ये बोल सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ तक आपको मिल जा रहे हैं, तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स आपको यहीं मिलेंगे। बाकी का ये जो नीचे वाला एरिया जिसको हम एफोटिक जोन बोलते हैं, वो जोन का मतलब होता है कि जहाँ पे सनलाइट नॉट रीच, क्या बोलते हैं हम उसे, सनलाइट नॉट रीच,
जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना जा सके। तो एक बात हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई इस एरिया में आपको फाइटोप्लैंक्टन्स नहीं देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं। हाय अरमान, गुड मॉर्निंग, है कि नहीं बताओ? चीज़ें जिसको अभी तक क्लियर हैं, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करिए, जल्दी करके। फोटिक जोन का समझ गए अभी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन को ज़रूरत होती है सनलाइट की। इसीलिए एक बार क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था कि भाई जैसे ऑयल स्पिल हो गया था आपके समुद्र के ऊपर, तो क्या फाइटोप्लैंक्टन की जो जनसंख्या है वो एकदम से ज़्यादा हो जाएगी, या उसमें कोई फर्क जो है वो हमें दिखाई देगा? एक सवाल मैंने आपसे पूछा था। सो गाइस, फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज़्यादा नहीं होगी बल्कि मरने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनको सनलाइट चाहिए होती है, और सर ऊपर ऑयल आने की वजह से सनलाइट का एरिया बंद हो जाता है, तो इस वजह से आपको ऐसे करके कन्फ्यूज़न जो है वो कर दिया जाएगा। फाइन, चलो थोड़ा आप आगे देखते हैं कि इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल इंडिकेटर होते हैं जो कि लाइफ को रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि CO2 को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, है ना। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल जो होता है ना वो सनलाइट कैप्चर कर लेता है, जिसके चलते फोटोसिंथेसिस को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 को कंज्यूम करके और ऑक्सीजन को रिलीज करके। तो ये जो आर्टिकल्स मैं आपको करा रही हूँ बहुत ही सिलेक्टिव आर्टिकल्स हैं, डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे इस तरीके के आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं। फाइन, चलो एक बार सब लिख दीजिए कि क्लियर है कि नहीं है, लिखो जल्दी। जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, इको फ्रेंडली फाइटो प्लैंक्टन्स होते हैं, ये लार्जली डिपेंड होते हैं लाइट, टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट्स पे, मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं। अब एक मिनट, एक मिनट, अब हम एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से व्हेन यू टाइप एनी मैसेज एंड डिलीट, कैन यू सी डिलीट मैसेज ऑल्सो। हाँ, नो सूर्यकांत, आई कुड नॉट, डोंट वरी, जब आप कर लेते हो उसके उससे पहले दिख जाता है। लेकिन देखो एक सेकेंड, क्या ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के? हाँ बिल्कुल बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, CO2 को इनहेल कर रहे हैं। हम लोग CO2 को इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं तो अच्छा हो जाएंगे। CO2 को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करेंगे तो एनवायरनमेंट में से गैसेस खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा ये इन्फ्लुएंस करे अपने क्लाइमेट को, CO2 को एब्जॉर्ब करके, और एक्वेटिव फूड वेब के लिए भी अच्छा होता है। अब एक नया टॉपिक आ रहा है आपके सामने क्लोरोफिल के बारे में। अब सुनो क्लोरोफिल के बारे में, देखो गाइस, क्लोरोफिल है तो हमें भी ग्रीन कलर से तो लिखना ही पड़ेगा। एक क्लोरोफिल होता है ए और एक क्लोरोफिल होता है बी, ठीक है। क्लोरोफिल होता क्या है? जैसे आप इमेज में देख रहे हो, पत्तों के अंदर जो हरा कलर होता है ना वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, या जो जो भी प्लांट्स पौधे वो ग्रीन कलर के होते हैं, दैट इज ड्यू टू अ पिगमेंट दैट इज नॉन एज अ क्लोरोफिल, वो एक क्लोरोफिल की वजह से होता है। हम बचपन में भी तो पढ़ते थे ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्लोरोफिल ये एंड वो सब कुछ पढ़ते थे हम, ठीक है। ये एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट करता है स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसको एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट दोनों कर रहा होता है, सेल्स के अंदर आपको मिल जाता है। अब चीज़ ये याद रखना कि जैसे मैंने आपको बोला कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों होते हैं, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है लाइट फ्रॉम द ऑरेंज रेड और वायलेट ब्लू एरिया से। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम ऑरेंज या रेड कलर का जो भी चीज़ होती है, जैसे सन की लाइट, और जो वायलेट और ब्लू कलर की सन की लाइट या एरिया होता है उस जगह से आपको ये क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद ये जो क्लोरोफिल होते हैं वो ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं एनर्जी। क्लोरोफिल एक एक्सेसरी पिगमेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल बी से बी से फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ भाई, उसको आप यू का यू नोट कर लीजिएगा प्लीज। क्लोरोफिल ए इज बेनिफिशियल फॉर द
बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट एंड द स्पीसीज, ठीक है। क्लोरोफिल बी इज फाउंड इन ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, ठीक है। सो आपको ये सवाल मिल जाएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। अब मुझे ये बता दो कि आपको कौन सा सही लग रहा है, बताओ। देखो गाइस, मैंने पहली स्टेटमेंट लिखी है क्लोरोफिल ए बेनिफिशियल होती है एनवायरनमेंट के लिए, स्पीशीज के लिए, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को और प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस करती है। बी फोटोसिंथेसिस नहीं करती, इसलिए क्लोरोफिल ए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। क्लोरोफिल बी आपको हर तरीके के पौधों में मिले, ना भाई ना, ये गलत होगा, क्योंकि ये देखो एक स्टेटमेंट हम लोग पढ़ के आए हैं अभी। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस हैव क्लोरोफिल ए, बट नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल बी। समझे बात को, क्यों हमने ये चीज़ किया, क्यों आपसे ये क्वेश्चन पूछा। तो जो स्पेशली हाईलाइट किया है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको माइंड में रख लीजिएगा। यस सूर्या, दैट इज द राइट आंसर। सो अभी जिसको चीज़ें समझ आ रही हैं, जल्दी से लाइक करो और अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसकी पीडीएफ के लिए आपको स्टडी आइस पे ज्वाइन करना होगा, स्टडी आइस को आप टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर लो। ओके जी, नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने ऑलिव रिडली सी टर्टल। ये क्या है भाई, ये क्या है? करीबन 2.5 लाख जो ऑलिव रिडली सी टर्टल है ना, वो हमें अशोर यानी कि मतलब किनारे पे जो है वो आते हुए दिख गए। किस वजह से? मास नेस्टिंग की वजह से, ऋषिकुल्या बीच पे। ऋषिकुल्या बीच अगर ये बात कर रहा है, ओके, मोस्ट वेलकम रानी। ओडिशा जो है ना, ओडिशा का जो किनारा है वहीं पे एक ऋषिकुल्या बीच है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ऑलिव रिडली आते हैं मास नेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी समथिंग अबाउट द ऑलिव रिडली टर्टल। ये बहुत ही छोटे और काफ़ी ज़्यादा सी सी के अंदर पाए जाने वाले, प्रचुर मात्रा में, बहुत सारे इनकी नंबरिंग में आपको ये टर्टल्स मिल जाते हैं समुद्र में। ये ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में और साउथ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन, ठीक है। हाँ यस सूर्यकांत, दैट इज वेरी ट्रू, कि जो सुटेबल फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम जोन होता है वो ऑरेंज रेड कलर का जोन होता है, इसीलिए क्लोरोफिल ए उसके लिए ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, और वायलेट और ब्लू कलर की जो वेव्स होती है, रेज होती है, उनको भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये जो ऑलिव रिडली है ना गाइस, दीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। अब ये जो वर्ड्स हैं ये आपके सीधा प्रिलिम्स के लिए बन रहे होते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि ऑलिव रिडली ये कह रहे हैं कि सीधा ट्रॉपिकल रीजन में, तो आपसे क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि जो ऑलिव रिडली टर्टल है, दे आर फाउंड नियर द शोर ऑफ यूरोप, या नियर द शोर ऑफ फ्रांस, नियर द शोर ऑफ चाइना, नियर द शोर ऑफ येलो सी, कहीं का भी दे देंगे। तो थोड़ा याद रखना, नहीं भाई ये ट्रॉपिकल में मिल रहे हैं क्योंकि इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। फाइन, इस इमेज को याद कर लेना, देखो सन की लाइट इस पे पड़ रही है ना, सो इसको सनलाइट ज़रूरत है तभी ये जीवित है, अदरवाइज ये मर जाता, इसलिए। तो ये मिलेंगे कहाँ पे? ट्रॉपिकल रीजन में, साउथ अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन, हर तरीके के ओशन में मिलेंगे। उस ओशन में जहाँ पे वार्म वाटर होगा, जहाँ वार्म वाटर होगा, कोल्ड नहीं होगा, उस तरीके के एनवायरनमेंट में ये आपको मिल जाएंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। जो मैनी फीमेल्स हैं वो नेस्ट कर रही हैं हर साल, कुछ एक सीजन में 2 बार भी हो जाता है। विच टेक फ्रॉम द 45 to 65 days टू हैच। ऑलिव रिडली की अलग अलग एरिया, मतलब नेस्टिंग का एक एरिया होता है स्पेशली, जिसको हम अरी बडाज बोल देते हैं। अरी बडाज, अरी बडा क्या है? एक मास नेस्टिंग इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड ऑफ टर्टल जो होते हैं वो ले एग्स करते हैं, इस वजह से अरी बडा उस एरिया को हम लोग बोल देते हैं। ओके, इन मास नेस्टिंग इन ओडिशा इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया होस्ट वन ऑफ वर्ल्ड मेजर एनुअल मास नेस्टिंग ऑफ मेरीन टर्टल्स। इसको स्पेनिश के टर्म में अरी बड़ा बोल देते हैं। तो एक मिनट मैप में देख लेते हैं हम लोग क्या है, कहाँ पे है ये।
ये देखो, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ये नेस्टिंग बीच है। क्या है ये? नेस्टिंग बीच है। यहीं पे आपको मिल रहा है गहीर मथा। क्या मिल रहा है? गहीर मथा। रिपीट करिए कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है क्या। ये वाला जो एरिया, ये भी मास नेस्टिंग साइट है। ये कुछ स्पोरैडिक नेस्टिंग बीच है, मतलब थोड़ी बहुत होते हैं। जहाँ मेन हो रही है ना, वो गहीर मथा, अरीवडा और ये सब चीजें। यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखो कि महानदी जो है वो डेल्टा बना रही है। इस तरीके से आपको मैपिंग के उसमें याद करना होगा, ठीक है? नहीं सूर्यकांत, दैट इज वेरी शॉर्ट, मतलब उनका साइज बहुत छोटा होता है। जो ऑलिव रिडली होते हैं, छोटा होता है। इनका जो मेजर साइट होती है कौन कौन सी है? गहीर मथा, ओडिशा, ऋषिकुल्या रिवर माउथ, ओडिशा देवी रिवर माउथ, ओडिशा मरीना बीच और रत्नागिरी, ये सब आपको मिल जाएंगे। अब एक और चीज याद रखना, यहाँ पे है एक रोबर्ट आइलैंड। रोबर्ट आइलैंड, अगर आप पीसीएस दे रहे हो या कोई यूपीएससी का दूसरा एग्जाम दे रहे हो सीएससी के अलावा, आपसे एक क्वेश्चन ये आ जाएगा कि रोबर्ट आइलैंड कहाँ पे है, ठीक है? बता देना, ओडिशा के शोर पे है। कम टू द नेक्स्ट वन, प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को सुरक्षा करने के लिए एक रिपोर्ट जो है वो लेकर आई गई, एक एक्चुअली पीआईएल फाइल करी गई थी मद्रास हाई कोर्ट में, ये के लिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक परमानेंट बॉडी बनाए जो कि ईस्टर्न घाट की सुरक्षा के लिए प्रॉपरली काम करे, ठीक है? परमानेंट बॉडी फॉर टेकिंग सीरियस एंड प्रैक्टिकल स्टेप फॉर द सेफ गार्ड फ्लोरा फोना एंड अदर नेचुरल रिसोर्स इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट इन द तमिलनाडु। एक चीज याद रखना गाइस, हाँ एक और चीज, आप में से अगर किसी ने इंडियन ज्योग्राफी करनी है, इंडियन ज्योग्राफी अभी मैं लाइव करा रही हूँ, इंडियन ज्योग्राफी अभी लाइव चल रही है अन अकेडमी पर मेरे द्वारा। 7 PM हम लोग लाइव इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। उस सब में ईस्टर्न घाट क्या है, कौन सी हिल्स आ रही है, क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। और आज के लिए बेस्ट होगा कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ड्रेनेज से आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिसे आना है इंडियन ज्योग्राफी करनी है, गाइज प्लीज़ वो आज ही से स्टार्ट कर ले। मिड में करोगे चीज़ें समझ नहीं आएंगी, अब से कर लोगे ज़्यादा बेटर, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर ये वाली बात? ओके ये बताइए, सारे आर्टिकल्स कवर हैं क्या सबको? एवरी आर्टिकल्स इज कवर टू यू ऑल। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने एक वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल बनाया। माधव धनंजय गडगिल की अगुवाई के में उन्होंने एक पैनल बनाया, जिसके चलते उन्होंने कहा भाई ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो ईस्टर्न घाट है, उन सब की आप लोग जो है वो सुरक्षा करोगे, उन सब का आप लोग ध्यान रखोगे। जिन्होंने 2011 में एक रिपोर्ट भी सबमिट कराई और उसके बाद एक और कमेटी आई जिसका नाम था कस्तूरी रंगन। इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, उन्हीं के नाम पे इनकी कमेटी का नाम रख दिया जाता है। ओके, कस्तूरी रंगन। सूर्यकांत, कोणार्क टेम्पल को हम एक और नाम से जानते हैं, बताओ एक बार कौन सा नाम होता है वो? आज के दिन भी हम रिकमेंडेशन दोनों कमेटी की मानते हैं, माधव गडगिल और कस्तूरी रंगन कमेटी। इसमें ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ खास न्यूज नहीं थी। सिर्फ इतना याद करो कि ये जो एरिया है, ये कंप्लीट आपका वेस्टर्न घाट है इवन और ऊपर से। और ये जो इतना बड़ा एरिया है इस साइड, हम जो देख रहे हैं इधर, दैट इज कंप्लीट योर ईस्टर्न घाट। कौन सा है? ईस्टर्न घाट। और जो हम यहाँ ये वाला एरिया देख रहे हैं, दैट इज अ वेस्टर्न घाट। याद रखना, ओडिशा से स्टार्ट हो रहा है और हर एरिया में इसका एक लोकल नाम होता है। हर एक एरिया में से लोकली किसी और नाम से पुकारते हैं और ये करीबन आपके यहाँ तक लाई करता है। इसकी जो लास्ट हिल है वो आपकी अन्नमलाई है, और आई थिंक अन्नमलाई के बाद एक और आ रही है, कार्डमम आ रही है। हाँ कार्डमम है गाइज, अगस्त मलाई है। हाँ, कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं।
सूर्यकांत, वो मैं आपको अन अकेडमी की इंडियन ज्योग्राफी में करा चुकी हूँ, एक बार आप आइएगा देख लेना, तो वहाँ से आपको चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। ये जो आप कह रहे हो ना कि सीरीज करा देना, वो सारी चीज़ें ना सिर्फ ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की, इवन मैं पूरी इंडिया की करा चुकी हूँ, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नहीं आती तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट दैट। ओके, कोणार्क जो टेम्पल है उसको हम ब्लैक पेगोडा बोल रहे हैं, और एक और टेम्पल है जिसको हम वाइट पेगोडा बोलते हैं, जो जगदीश जगदीश नाम से टेम्पल है, दिगम एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा। चलिए ओके, समझ आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, चीज़ें पूरा एनवायरनमेंट का कवर हो जाएगा, नॉट टू वरी। एक अगली न्यूज़ आपके सामने आ रही है, गोर बैक इन वाल्मीकि रिजर्व आफ्टर एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये सूर्यकांत, दैट इज विजुअली, गोर को हम इंडियन गोर भी बोल रहे हैं, इंडियन गोर भी बोलते हैं। वाल्मीकि रिजर्व है आपका बिहार के अंदर, और वहीं पे ये वापस जो है वो आ गया है गौर, ठीक है। हाँ जगन्नाथ, सॉरी जगन्नाथ मैं कह रही हूँ, जग जग से कुछ है, वो नाम मुंह पे नहीं आ रहा था। जगन्नाथ उसको हम व्हाइट पेगोडा जो है हम बोल देते हैं, ठीक है। ये जो गौर है वो लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन इन द वर्ल्ड है। बोवाइन क्या होता है? जैसे बोवाइन एक वर्ड ना काउ से निकला है, काउ गोट बफेलो एंड इस तरीके की जो स्पीसीज होती है ना, इस जैसी अपियरेंस में होती है, उस पूरी इस कैटेगरी को हम बोवाइन का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमें जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दैट इज लोकेटेड इन द बिहार, वहाँ पे हम मिला है। इट इज ऑल्सो ब्रीडिंग देयर ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रास लैंड कवर। अब क्योंकि वाल्मीकि के अंदर ग्रासलैंड का कवरिंग काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल हो रही है, जिसके चलते एवरग्रीन फॉरेस्ट भी आपको मिल रहे हैं, इन सब की वजह से इनकी जो संख्या है वो वहाँ पे बढ़ गई है। गौर को हम इंडियन बाइसन भी बोल रहे हैं, एंड दैट इज नेटिव टू साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशिया में नेटिव है। नेटिव का मतलब होता है गाइस कि वो उस जगह पे मतलब मोस्टली रह रहा होता है, उसके अलावा भी आपको मिल जाएंगे, मतलब एक घर कह सकते हो, ये उसका घर होता है। सो कहाँ पे है इस केस में? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया। इनका मेन खाना क्या होता है? ग्रासलैंड होता है। इंडियन बाइसन आपको वेस्टर्न घाट में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रासलैंड इनका खाना होता है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ होंगे तकरीबन आपको ये वहाँ मिल जाएंगे। हिमालयस में नहीं मिलते क्योंकि स्पीसीज बड़ी होती है गोर की, बहुत ज़्यादा ऊंचाई ये नहीं चढ़ सकती, और तकरीबन जो फूट हिल्स होती है ना, फूट हिल्स होती है, यानी कि फूट हिल्स का मतलब होता है मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ का ये वाला जो रीजन है, एक मिनट, मान लो ये एक माउंटेन है, इस माउंटेन का ये जो रीजन है ना, इनको आप फूट हिल्स बोलेंगे, जो जमीन से लगा हुआ एरिया है, तकरीबन ये वहीं पे मिलेंगे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि यहीं पे आपको ग्रासलैंड भी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, तो वो चीज़ याद रखना। फिलहाल ये वल्नरेबल है और शेड्यूल वन में जो स्पीसीज है ये ऐड है। लेट्स सी लिटिल बिट अबाउट द वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तेराई फॉरेस्ट में है। तेराई और बाबर, बंगर, ये सब क्या है वो सब हम आज ही से स्टार्ट करने वाले हैं, आज ही से सब चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेटर होगा कि आप लोग ज्वाइन करिए मुझे राइट शार्प 7 PM, आपको मैं अनअकैडमी पर मिल जाऊंगी। ओके, हिमालय का जो तराई फॉरेस्ट होता है ना, उसका ईस्टर्न मोस्ट लिमिट है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा आपको मैप में यहाँ दिखा दूँ अगर, सो ये है हिमालय, हिमालय का जो तराई रीजन है, यानी कि जहाँ गंगा आ रही है, एक अच्छी खासी लैंड बना रही है, उसका ईस्टर्न मोस्ट बिहार में आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पे मिल जा रहा है। क्लियर है बात? सिचुएटेड इन द गैंगेटिक प्लेन बायोजियोग्राफिक जोन फॉरेस्ट में बाबर और तराई के ट्रैक दोनों अच्छे से खासे मिल जाएंगे। वाइल्ड मैमल्स आपको यहाँ मिलते हैं, टाइगर, स्लॉथ, बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बाइसन, ये सब आपको मिल जाएंगे। सेवरल स्पीसीज ऑफ डियर, एंटीलॉप, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, ये भी आपको यहाँ पे स्पीसीज मिल जाएंगी। मैप में देखिए, ये है आपका बिहार, और बिहार के अंदर
आपको ये जो एरिया है ना, दिस वन जो आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, ये कंप्लीट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये जो शेडेड आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, दैट इज अ नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। फाइन, चलो। अभी तक किसी को किसी भी चीज़ में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। डू इट फास्ट। ओके रानी, नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपके सामने। वायनाड जो सेंचुरी है, वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको बोला गया है कि इसे हम इको सेंसिटिव जोन के अंदर डिक्लेयर कर दें। जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, वायनाड कोई बताइए, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है गाइस? इस सेंचुरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला, केरला के अंदर है ये। स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई इस सेंचुरी को हम ESZ के एरिया के अंदर ऐड कर देते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंचुरी को ESZ में हमने ऐड कर दिया, वो स्पीसीज बहुत ही प्रोटेक्ट, वो एरिया मतलब स्पीसीज नहीं, वो एरिया बहुत ही प्रोटेक्टेड हो जाता है। ह्यूमन की इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होती। ठीक है, वहाँ आप कोई लोग इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, इवन उसके आसपास के एरिया में भी आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते, किसी तरीके की माइनिंग नहीं हो सकती। वहाँ के जो एरिया है, वहाँ जो लोग रहेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मतलब इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस तरीके का एरिया होता है जिसको हम ESZ डिक्लेयर कर रहे होते हैं। फाइन, सो स्टेट गवर्नमेंट केरला ने रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर से कि भाई एक नोटिफिकेशन जारी करवाओ आप, इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, कि भाई इतना जो एरिया है वाइल्ड लाइफ का, उसको आप ESZ में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने आपको बोला कि एक तरीके से कुशन या शॉक एब्जॉर्बर होता है प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, सपोज टू एक्ट एज अ ट्रांजिशन जोन होता है, मतलब ट्रांजिशन उस लेवल में आपको इंटरफेरेंस नहीं होगी, फ्रॉम एरिया हाई प्रोटेक्शन टू द लेस प्रोटेक्शन। इसे बनाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, वो इसको नोटिफाई करते हैं भाई इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग ESZ डिक्लेयर करने वाले हैं। ठीक है, एक तरीके से इको टोन हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मान लो ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें से अगर इतना एरिया हम ESZ में ले आएंगे तो इस एरिया के अंदर ट्रीज लग सकते हैं, कोई फैक्ट्री, कोई चिमनी कुछ नहीं लगेगी यहाँ पे, इन सबको नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक तरीके से एरिया ट्रांजिशन में आ जाता है, यानी कि इतनी दूरी तक यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं होगा, ये एरिया काफ़ी हाईली प्रोटेक्टेड होगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज करा जाएगा। तीसरी चीज, यहाँ जो स्पीसीज खतरे में है, स्पीसीज डेंजर में है, उन्हीं स्पीसीज को इनमें ऐड करा जाएगा, स्पीसीज डेंजर ऐड। ठीक है, तो ये सब ESZ के बारे में होता है। फाइन, चलो आगे। इकोटोन की तरह, ट्रांजिशन की तरह होते हैं, दो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में ट्रांजिशन बनाते हैं, क्रूशियल होते हैं प्रोटेक्टेड एरिया के लिए, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉरेस्ट के लिए होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इस सेंचुरी के बारे में। ये एक एनिमल सेंचुरी है, केरला में भी है ये, और ये नीलगिरी का हिस्सा है। आप में से कौन कौन है जो अन अकेडमी पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लास ले रहा है मेरी? विशाल, आप ले रहे हो ना? ओके, आप लोग ये बताइए, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स क्या, कौन सी है? हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स कौन सी है, उसका जवाब आप लोग दे दीजिए। हाय राम कुमार, गुड मॉर्निंग। वायना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो केरला में है, नीलगिरी बायोस्फीयर का जो वेस्टर्न घाट में उसका एक बेहतर पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर ही आपका वायनाड आ रहा है।
इट इज कंटिगुअस टू टाइगर रिजर्व ऑफ नागरहोल, बांदीपुर ऑफ कर्नाटक, मुडुमलाई ऑफ तमिलनाडु। ये सब चीज़ें हैं, नागरहोल, बांदीपुर, मुडुमलाई, ये तमिलनाडु में है लेकिन आधे ये इसी का हिस्सा है। ओके, आप लोग कह रहे हो डोडा बेटा। डोडा बेटा का ये बताओ कि ये कहाँ पे है, ये कौन से स्टेट में है डोडा बेटा। हाय सनी, डोडा बेटा कौन से स्टेट में है। अब देखो मैप में जरा एक ध्यान डाल देते हैं। यहाँ है आपकी वायनाड वाइल्डलाइफ सेंचुरी, और ये पूरा रीजन इसी का ही कवर्ड है। ये भी आपकी वायनाड वाइल्डलाइफ सेंचुरी है। इसी के पास में आपको मुजुमलाई और बांदीपुर टाइगर रिजर्व ऑफ कर्नाटका, ये सब आपको मिल जाते हैं। एक दो इन्फॉर्मेशन है गाइस नीलगिरी के बारे में। नीलगिरी आपका कर्नाटका प्लस केरला प्लस तमिलनाडु में लोकेट कर रहा है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी डोडा बेटा, फाइन, एंड दैट इज लोकेटेड इन द तमिलनाडु। नहीं सनी, नॉट ऑन द बाउंड्री, दैट इज कंप्लीट लोकेटेड इन द तमिलनाडु। ठीक है, वो पूरा तमिलनाडु में है। इसकी एक साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अन्नाई मुड़ी, जो कि अन्नमलाई हिल्स का पार्ट है। अन्नमलाई हिल्स का पार्ट है, और ये अन्नाई मुड़ी जो है वो आपकी केरला के अंदर लोकेट कर रही है। ठीक है, तो ये जब मैंने आपको माउंटेन रेंजेस कराया ना अपने इंडियन ज्योग्राफी में, ये सारा एरिया प्रॉपर मैपिंग की फॉर्म में मैं सारा एरिया आपसे कवर जो है वो कराया था। ठीक है, कोई डाउट है इन सब चीज़ें में किसी को। आप ये बताओ कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, कार्डमम हिल्स। चलो नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है एलिफेंट कॉरिडोर थ्रू साइगर प्लेट्यू। एलिफेंट कॉरिडोर थ्रू साइगर प्लेट्यू गाइस, जिसको कवर्ड है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। सुप्रीम कोर्ट ने एक कंजर्वेशनिस्ट जिसका नाम है नंदिता हजारिका, उनको उनको अपॉइंट किया एज ए टेक्निकल कमेटी के मेंबर के रूप में। उनको जो है अपॉइंट किया उन्होंने, क्यों किया। टेक्निकल जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई 2020 के अंदर। 14 अक्टूबर को स्टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की गवर्नमेंट से ये कहा था नोटिफाई करने के लिए एलिफेंट कॉरिडोर, मतलब वो जगह एलिफेंट के कॉरिडोर बना दी जाए, सो दैट उससे बाहर आपके जो ये एलिफेंट है वो ना जा सके। कार्डमम इन द केरला, कार्डमम इज इन द केरला, वो हिल्स है आपकी सदर्न मोस्ट हिल्स कह सकते हो आपने। ठीक है सूर्यकांत, जब समय आएगा मैं आपको मैपिंग की हेल्प से सारा दिखा दूंगी, डू नॉट वरी, टेंशन मत लो, फाइन। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से ये बोला कि भाई आप अपने एरिया के अंदर जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसको रिकग्नाइज कर दो। ये कॉरिडोर बनाने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि पिछले समय में ये देखा जा रहा है कि जो एलिफेंट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चलते डेथ इनकी हो रही थी। ठीक है, इस सब के रीज़न की वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में इनकी डेथ हो रही थी, जिसके चलते एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की जो है बात यहाँ पे की गई। सो दैट क्या होगा, अगर कॉरिडोर बन गया, एग्जाम्पल के लिए आज अगर एलिफेंट इस एरिया में रह रहे हैं, मतलब एक एलिफेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे हैं, सो अगर सरकार इस एरिया को कॉरिडोर डिक्लेयर कर दे तो फिर वो इस एरिया से बाहर नहीं आएंगे, और जो ह्यूमंस ने जाना होगा वो अपना यहाँ से चले जाएंगे। जो व्हीकल्स होंगे, जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी, पावर लाइन्स होंगी, वो सब यहीं से आ जाएंगी, जिसके चलते वो लोग एलिफेंट्स यहीं रह जाएंगे और फिर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का कोई काम ही नहीं रहेगा और कोई डेथ नहीं होगी। आई बस समझ में, इसको बोलते हैं एलिफेंट कॉरिडोर होना या बनाना, फाइन। सो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा हम देखें रिजर्व लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है आपके इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के अंदर।
यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें ऐसे केस मिले, तो इस वजह से बोला गया कि भाई आप इसे एलिफेंट कॉरिडोर के नाम से डेजिग्नेट कर दो। क्लियर है? बताओ जल्दी, क्लियर है चीजें? और अगर कोई नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को। सिगुर प्लेटू के बारे में ये है कि सिगुर प्लेटू जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट कर रहा है, जहाँ पे एलिफेंट की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन आप लोगों को मिल जा रही है। यहाँ नीलगिरी हिल्स के साउथ वेस्टर्न साइड ये लोकेट कर रहा है। मोयार रिवर आपको इस वैली में आती हुई दिखाई दे रही है। इसमें काफ़ी कम रेनफॉल होती है, मार्जिन लैंड विद पुअर सॉइल, क्योंकि ये ज़्यादातर एरिया ईस्टर्न घाट की तरफ है और ईस्टर्न घाट में आप लोग जानते ही हो कि वहाँ पे बारिश कम आती है। इसकी वजह से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लो पॉपुलेशन भी वहाँ पर आपको मिल रही है। तो पांच टीम में मोयार, सिगुर, अवराहला रिवर, केदारहला, कुंथला, ये सारी रिवर्स आपको यहाँ पे मिल जा रही है। ठीक है, तो बाकी की न्यूज़ हम लोग कल की क्लास में कवर कर लेंगे। आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ आई हो सबको। एक बार सब लिख दीजिए कि हाँ आपको समझ आ गई या नहीं आई। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन गाइस, सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी वैलिड है, जल्दी ले लीजिए। एंड हो जाएगा, 1 ईयर 2 ईयर का आप ले रहे हो तो 3 to 4 months आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाते हैं इस ऑफर के चलते। स्टडी आइस कोड को अगर यूज़ करके आप लेंगे सो इंस्टेंटली आपको 10% ऑफ यहाँ से मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिड रहेगा 28 अप्रैल तक और हर तरीके के जीएस आइकॉनिक कॉम्बो हर में आपको मिल जाएगा। इन सब क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे स्टडी आइस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। सो जाइए अभी स्टडी आइस सर्च करिए। और गाइस, अन अकेडमी अंकिता जिंदल भी मेरा पर्सनल है, वो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी कुछ रहता है आप पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, आप अन अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। जस्ट सर्च करोगे अंकिता जिंदल, अंकिता जिंदल सर्च करेंगे तो आपको मेरे प्रोफाइल मिल जाएगी। एंड वहाँ पे अभी मिलते हैं। 12 PM हम डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं, 1 PM डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, 7 PM गाइज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं, और 9 PM हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं अन अकेडमी पर, 10:15 एग्रीकल्चर का करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो आप आइए ज्वाइन करिए, सो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, सो गाइज जो हो स्टूडेंट रेगुलर हो आप लोग प्लीज़ रेगुलर रहिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई डाउट है क्वेरी है वो आप लोग कमेंट में मेंशन ज़रूर करिए। अब सुनिए, एक सेकेंड, कहीं जाना नहीं है, क्वेश्चन सुन के जाओगे। एक कमेंट सेक्शन में आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, वो ये है, आपको ये बताना है, सुनकर जाना, कमेंट में आंसर करके जाइएगा प्लीज़, कि अन्नामलाई जो हिल्स हैं, अन्नामलाई हिल्स की हाइएस्ट पीक कौन सी है, इस हिन हिल्स की हाइएस्ट पीक कौन सी है और कौन से स्टेट में लोकेट कर रही है, आपको ये बताना है। और आपको ये बताना है कि बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स ये कौन से स्टेट में लोकेट कर रही है, स्टेट का नाम बताना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अन्नमलाई हिल्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है और कौन से स्टेट में है, और एक क्वेश्चन है बाबा बुदान हिल्स कौन से स्टेट में। ठीक है, तो इनको जल्दी से आंसर आप लोग कर दो। कमेंट सेक्शन अभी आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड में हो जाएगा। सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग उसे प्रॉपरली आंसर कर दें। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर द क्लासेस, हैव ए नाइस डे, जल्दी मिलते हैं ना।